आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने एक एक खिलाड़ी को ट्रेड सिस्टम के जरिए ट्रेड कर लिया। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कौन से वो दो खिलाड़ी हैं जिनको ट्रेड सिस्टम के जरिए ट्रेड कर लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएल सिस्टम के ट्रेड सिस्टम के जरिए किन दो खिलाड़ी को ट्रेड किया गया। तो दोस्तों आरसीबी के स्टार बल्लेबाज मनदीप सिंह को किंग्स इलेवन पंजाब ने ट्रेड सिस्टम के जरिए ट्रेड कर लिया है और किंग्स इलेवन पंजाब के स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को ट्रेड सिस्टम के जरिए आरसीबी ने ट्रेड कर लिया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे दोनों खिलाड़ी हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस दोनों टीमों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। आपको बताते कि मनदीप सिंह को आरसीबी ने 2 करोड़ में खरीदा था और मार्कस स्टोइनिस को किंग्स इलेवन पंजाब ने 6 करोड़ में आरटीएम कार्ड के जरिए रिटर्न किया था। दोस्तों ये इस प्रकार ये इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी अपनी टीमों ने खरीदा था। और दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी टीम है जो अपने ऑलराउंडर खिलाड़ियों के जरिए अपनी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आरसीबी की टीम का वो काफ़ी अच्छा मिडिल ऑर्डर में प्रदर्शन नहीं रहा है। अगर इनका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो मिडिल ऑर्डर काफ़ी नाकामयाब रहता है। दोस्तों इसलिए आरसीबी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर को ले रही है अपनी टीम में, जैसे कि मोइन अली, क्रिस वोक, वॉशिंगटन सुंदर, कोरी एंडरसन, कोलिन डी ग्रैहम और अभी एक नया नाम जुड़ गया है मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस को आरसीबी ने 6.5 करोड़ रुपीज़ में ट्रेड सिस्टम के जरिए ट्रेड किया गया, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। हालांकि दोस्तों आरसीबी की टीम ये जरूर चाहेगी कि सारी के सारी मैच खेलें मार्कस स्टोइनिस और अच्छा प्रदर्शन करें, इस कारण से उन्होंने इनको किया है ट्रेड। दोस्तों ये रहा हालचाल। और दोस्तों अब आपको मनदीप सिंह और मार्कस स्टोइनिस आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की तरफ से नजर खेलते हुए नज़र आएंगे। अब बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, तो किंग्स इलेवन पंजाब की मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे मनदीप सिंह, जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं और पहले भी खेल चुके हैं किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, इसलिए किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने इन्हें खरीदा है, जो कि एक इंडियन विकल्प है, काफ़ी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।